दोस्तों आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन कप्तान के रूप में बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका पर शानदार जीत के बाद भारत के स्टैंड इन कप्तान हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा करने वाले बयान दिया जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। पहले T20 मुकाबले में भारत ने वानखेड़े स्टेडियम में एशिया कप विजेता श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया है और मैच काफी रोमांच था और आखिरी गेंद तक चला। दोस्तों सबसे पहले टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने उत्तरी भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले शुभमन गिल तीसरे ही ओवर में महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद सूर्य कुमार यादव 7 रन और फिर संजू सैमसंग महज 5 रन बनाकर चलते बने। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने हालांकि तेजी से रन बनाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही पारी लंबे नहीं खींच पाए। ईशान किशन 29 गेंदों में 37 रन और हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। एक समय टीम इंडिया 94 के स्कोर पर 5 विकेट गिर चुके थे और वह संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने मिलकर 6 विकेट के लिए 35 गेंदों में 68 रनों की अटूट साझेदारी कर डाली और टीम को एक आदर्शजनक स्कोर तक 162 रन तक पहुंचा दिया। हुड्डा ने 23 गेंदों में 41 रन और अक्षर पटेल ने 20 गेंदों में 31 रन बनाकर नवाज रहे। भारत के लिए हालांकि यह जीत आसान नहीं रही और उसे आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 13 रन का बचाव करना था लेकिन हार्दिक ने इस ओवर में अक्षर पटेल पर भरोसा जताया और उन्होंने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। हालांकि तीसरे गेंद पर छक्का लगने के बाद श्रीलंका को 3 गेंदों में 5 रन की दरकार थी और भारत के लिए जीत मुश्किल नजर आ रही थी लेकिन अक्षर ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेहमानी टीम को जीत से दूर कर दिया। दोस्तों पांड्या ने मेजबानी टीम के लिए गेंदबाजी आक्रामकता के साथ शुरुआत किया जबकि युवा खिलाड़ी शिवम मावी वानखेड़े स्टेडियम में जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि आखिरी ओवर में जब श्रीलंका को 13 रन बनाने थे तो हार्दिक ने खुद ओवर नहीं करते हुए अक्षर पटेल को गेंद पकड़ा दिया। भारत ने यह मैच रोमांचक तरीके से 2 रनों से जीत लिया। अक्षर को आखिरी ओवर में दिए जाने को लेकर पांड्या से सवाल किया तो उन्होंने कुछ हैरान करने वाली वजह बताई और उन्होंने कहा हम ये गेम हार सकते थे लेकिन यह ठीक है, मैं इस टीम को कठिन परिस्थितियों में रखना चाहता हूं क्योंकि इससे हमें बड़े गेम में मदद मिलेगी। द्विपक्षीय मैचों में हम बहुत अच्छे हैं और इस तरह से हम खुद को चुनौती देने जा रहे हैं। ईमानदारी से कहूं तो आज सभी युवा खिलाड़ी ने हमें इस स्थिति से बाहर निकाला है। स्पिन अक्षर ने अंतिम ओवर में 13 रन के बचाव किया और भारत ने शानदार जीत से सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वैसे दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच ये सीरीज किसके नाम रहेगी, भारत या श्रीलंका, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।